दोस्तों आप सभी ने एकता कपूर का पॉपुलर शो नागिन 4 तो जरूर देखा होगा। यह शो कलर्स टीवी पर 14 दिसंबर 2019 को प्रसारित किया गया था और तभी से फैंस इस शो को बेहद ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर बात करें शो के किरदारों की तो फैंस इस शो के सभी किरदारों को पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हो कि इस शो में सभी किरदारों के रियल लाइफ पार्टनर कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? तो दोस्तों इन सभी किरदारों के रियल लाइफ पार्टनर के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फर्स्ट नंबर पे है जैस्मिन भसीन। शो में नैनतारा का किरदार निभाने वाली जैस्मिन भसीन का जन्म 28 जून 1990 को न्यू दिल्ली में हुआ था। अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर की तो आपको बता दें कि जैस्मिन भसीन अभी तक कुंवारी है, लेकिन इनका नाम कई पॉपुलर अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया है। खबरें ये थी कि जैस्मिन भसीन जैन इमाम को डेट कर रही हैं। सेकंड नंबर पे है निया शर्मा। हॉट एक्ट्रेस निया शर्मा ने वृंदा का आइकॉनिक किरदार निभाया है। आपको बता दें कि निया का जन्म 17 सितंबर 1990 में दिल्ली में हुआ था। निया अभी तक कुंवारी है, लेकिन इनका नाम भी कई अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया है, जिनमें से कुशल टंडन एक है। थर्ड नंबर पे है विजेंद्र कुमारिया। टीवी के हॉट एक्टर विजेंद्र कुमारिया शो नागिन 4 में देव का किरदार निभा रहे हैं। विजेंद्र कुमारिया टीवी के कई पॉपुलर शो में काम कर चुके हैं और टीवी इंडस्ट्री में अपना नाम कमा चुके हैं। आपको बता दें कि विजेंद्र की शादी हो चुकी है और इनकी पत्नी का नाम प्रीति भाटिया है। फोर्थ नंबर पे है शांतनी घोष। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शांतनी घोष पहले भी 2 बार नागिन का किरदार निभा चुकी हैं। शांतनी का जन्म 6 सितंबर 1984 में हुआ था। आपको बता दें कि शांतनी को एक बार फिर से प्यार हो गया है और वह अनुराग तिवारी को डेट कर रही हैं, जो कि एक मॉडल हैं। फिफ्थ नंबर पे है गीतांजलि टिकेकर। शो में देव की मां का रोल निभाते हुए नजर आई गीतांजलि शो में मेन विलन का किरदार निभा रही है। आपको बता दें कि गीतांजलि ने टीवी के जाने माने एक्टर सिकंदर खरबंदर से शादी रचाई है। तो दोस्तों आपको सीरियल नागिन 4 के रियल लाइफ पार्टनर कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल।